की बड़ी खबर, रेयर के लोगों ने जताई नाराजगी की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जम के लगाई नारेबाजी। 21वीं सदी में भी लोग जी रहे 18वीं सदी की जिंदगी, पानी लाने के लिए जाना पड़ रहा है 5 किलोमीटर दूर। ये है रे गांव के लोगों की कहानी। प्रॉब्लम 40-45-50 साल से प्रॉब्लम चल रही है। 50 साल पहले से कहीं लाइन लगी थी, उसके बाद ना इस लाइन की रिपेयर हुई है, ना इसमें कोई सामान सॉकेट यूनियन कुछ भी नहीं लगा है। सारी पाइपें टूटी हुई हैं और ये मोमी कागज़ से बांधी हुई है पाइपें, और पाइपों की हमें बहुत परेशानी है, पानी की बहुत परेशानी हो रही है, जो कि हमें 24 घंटों में सिर्फ 3-4 बाल्टी पानी मिलता है ही घर को। और सर 50 साल पहले यहाँ 20 घर पॉपुलेशन थी और आज ये 60-70 घर हो गए सर। तो आज जो पानी उस टाइम भी मिला था वो पानी आज हमें 60 घरों में बराबर बहुत कमी हो रही है हमें पानी की। तो सर इस पानी के लिए हमने बहुत अप्लाई की सर, लेकिन हमारी सुनवाई किसी ने भी नहीं की सर। तो जैसे जैसे इन्होंने बताया है कि जो पिछले 50-60 सालों से यहाँ पर जो है सरकार ने कभी कोई ऐसा कदम नहीं लिया कि इन लोगों की जो पानी की समस्या है वो खत्म हो सके। तो मैं जो है सर से पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी जो है प्रशासन के पास, कभी डिपार्टमेंट वालों के पास कोई एप्लीकेशन, कोई अर्जी दी कि आपको जो इस पानी की दिक्कत से जो है बाहर निकाला जाए और आपको जो है पानी कंटिन्यू मिले? बहुत बार पानी के बारे में गांव वाले मिलकर काफ़ी दफ़ा गए और हाई अप्रोच चीफ इंजीनियर के पास भी हम इस गए, लेकिन आज तक वो सारा पेंडिंग काम रहा, जिसकी वजह से पूरी गैदरिंग जो देखते हैं आप कितनी गैदरिंग, ये पूरी हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी हल की जाए, ताकि आने वाले जो हमारे नस्ल हैं वो परेशान ना हो। है कि हमने जो है बहुत बार जो है प्रशासन के पास अर्जी दी, लेकिन उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर जो है पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो इस वक्त जो आप जो पानी कहाँ से ला रहे हैं, किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ पर? देखो सर, ऐसा है वहाँ से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर दूर पानी एक चश्मा हमारा जी सर, नॉर्मल थोड़ा सा पानी वहाँ हमें आता है पानी, जिसके नॉर्मल थोड़ा सा हमारा गाँव का गुजारा चलता है उससे। बाकी जो ये नल का पानी जो हमें आता है, इससे तो हमें मतलब 24 घंटे के अंदर 1-2 बाल्टी ही घर को मिलती है, उससे गुजारा हमारा चलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही प्रॉब्लम इस पानी की हमें यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने काफ़ी अप्लाई भी की, हम जिदवानी साहब के पास भी गए, परिहार साहब के पास भी गए, जितने मैं हमारे गांव में आते हैं, हमारा पैर सबसे टॉप मोस्ट हमारा यही रहता है कि हमें पानी की प्रॉब्लम है जी। तो किसी ने हमारी ये बात आज तक सुनी नहीं है, तो हम यही कोशिश कर रहे कि हमें पानी मिल जाए तो हम ये कहीं अपनी ज़िंदगी बसर करें, इसका और क्या बोल सकते हैं। जैसे कि आपने सुना यहाँ पर कि इनका जो एक ही डिमांड है कि जो हमें पानी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो है आज हम जो इस पंचायत में आए हैं यहाँ पर जो है हमें जो है विकास बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आज जो है सर से पूछना चाहूँगा कि आपका जो है क्या रहेगा, कि आप चाहते हैं कि आप जो DC साहब से क्या कहना चाहते हैं कि जो जिससे जो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर जो है नज़र डालें? देखो जनाब, DC साहब के पास भी गए, हर किसी जगह पर भी गए, पानी नहीं आता, हमें हर चीज़ से प्रॉब्लम है, गाड़ियों का, रोड का, बिजली का, अस्पताल का, राशन का, हर हमें प्रॉब्लम में प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर कोई अफसर कोई सुनाई नहीं देता ना कुछ, अपना मतलब मानते हैं तो हल कुछ नहीं होता है। तो आपका कहना है का मतलब है कि जो है सरकार ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उन्होंने जो है श्रेना पंचायत की श्रेय गांव को बिल्कुल जो इग्नोर करके रखा हुआ है, कभी भी यहां पर जो कोई ऐसा जो कदम नहीं उठाया गया है जिससे जो है लोगों को बेनिफिट्स हो सके, लोगों की मुश्किल जो है वह हल हो सके, लोगों को जो है जो इन प्रॉब्लम्स को जो है सामना ना करना पड़े।
बिल्कुल, जो कि मैं यहाँ पोते की शादी है जिसमें मैंने जाकर डी साहब को कहा कि मुझे टैंकर भेजो, कभी कहता है 16 तारीख को भेज देंगे, कभी कहता है 15 को भेजेंगे, अभी तक नहीं, बारिश हुई है, हमें प्रॉब्लम है, तो हमें कोई नहीं साथ देता है, ना कुछ, गाड़ी भी नहीं अभी तक कहाँ से करूँगा मैं ये हाल पूरा, पानी शादी के लिए बेइज्जती का बाइस है, ये तो जरूर मरना और जीना सब कुछ साथ साथ ही है। जैसे सर ने बताया कि इनके घर में शादी है, तो इन्होंने जो है अर्जी दी थी कि हमें जो एक टैंकर जो है पानी का यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन अभी जब हम जो है नीचे से आ रहे थे, जो गाड़ी में आ रहे थे, तो हमने खुद देखा जो है हमारी गाड़ी जो है तीन चार बार जो है रोड में जो है फंसी, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके की हालात जो है यहाँ के लोगों की है, किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ये लोग जो है सह रहे हैं, जो है सरकार जो है इनके लिए जो कोई भी कदम नहीं उठा रही है, तो हम जो कोशिश करेंगे अपने न्यूज चैनल के थ्रू से कि इन लोगों की जो समस्या जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी समस्या का जल्दी से जल्दी जो है हल निकाले। धन्यवाद।